सर लोग अभी बोले एक बार सर ओनली द लीडिंग लीडिंग ओनली द लीडिंग लीडिंग सोलो 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 मैम ये ऑन द सेंटर मैम सेंटर ये ऑन द सेंटर सेंटर मैम सेंटर लुक मैम बहुत अच्छी काम है मैम लुक मैम इन सेंटर राइट सर नाउ द लीडिंग मैम सर तो यहां पे देखिए एक और बार सेंटर ओके मैन बिहाइंड एवरीथिंग सर डन अब मेरे को ना यस सर एकदम सामने देखिए सर मैम यहाँ पे ऑल ऑफ यू ऑन सेंटर
Shiva sir for this opportunity and everything. Thank you. To the director. So the director sir, you can throw some light on it. You know, it is here in India for the Indian audience, and we Indian love every content. You know, tell us what is so important about it, and Subhas sir himself presenting the film here in India. ऐसा हुआ था, हमने सुभाष सर के स्टूडियो में जब काम किया, उधर जब हमारा सब काम खत्म हो गया, ट्रेलर देखने के लिए मैंने सुभाष सर को मिक्सिंग रूम में ले गया। फिर उन्होंने इसको क्यों नहीं इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया। आप लोगों ने, हमने तो ये OTT के लिए सोचा था, लेकिन सुभाष सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इसको वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज़ कर दिया। फिर हम सुभाष सर को आप लोगों सामने इतना सपोर्ट किया है, ये नेपाल और इंडिया का जो दोस्ताना है ये फिल्म के जरिए और मजबूत होता है। क्या कहना, आप क्या कहना चाहते? सुभाष जी ने मुझे एक्टिंग में इसका टेलर कहा और उसके बाद उन्होंने बोला सब बहुत अच्छी है, हम इसको साथ में करते हैं। टेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा वास्तव में पिक्चर होना आने वाले समय में शायद इंडिया हॉलीवुड को थोड़ा सा अलग हट के कुछ देने वाले। तो बाकी मैं सुभाष जी के साथ ही था। और प्रेम गीत possibility, you know, whenever a film become a huge hit across the globe, there are possibility, you know, uska remake banaya jata hai ya uspe adaptation kiya jata hai, Hindi adaptation hota hai. The possibility ki is film ka kuch aisa ho jis tarah ka jitna tareef aap sab kar rahe hain aur jitne confident aap lag rahe hain. Actually film abhi Hindi aur Nepali mein to release ho rahi hai, aur agar south mein kuch acha laga kisi ko shayad present kare, mujhe lagta hai south mein hogi. उसका रिमेक बने ना बने, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा सात जन्म होता है उसी तरीके से प्रेमित सेवन तक तो डेफिनेटली बनाएंगे। आई होप इट्स नॉट फनी, बट आई थिंक ये सब ना श्री राम और शिव जी ने सिखाया, क्योंकि वो जो ना राम शिवाय देख देख के बड़े हुए ना, तो उन्होंने सिखाया ये सब. Thank you. Thank you so much.